बाय किया है, एक न्यू लैपटॉप आसूस का, जिसमें मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी मैंने उसमें वीडियो बताया जो रिसेंटली मैंने न्यू लैपटॉप बाय किया और क्यों बाय किया, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिकॉज मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं लेता, आप सबको तो पता ही है। तो मुझे ऐसा क्या चीज अच्छी लगी आसूस मतलब लेने में जो मुझे आसूस का ही लैपटॉप लिया है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। मगर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है यार, मुझे आप सबके मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मगर यार मैं सच बताता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन रीड नहीं करता, मैं आप सबके क्वेश्चन रीड करता हूँ। मैं डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ आप सबको रिप्लाई देना, मगर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो इसलिए मैं आप सबको बस एक बात बोलूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मेरे कमेंट सेशन में कमेंट्स में करो, तो मैं इंस्टाग्राम पर कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता हूँ, वहां अगर आप क्वेश्चन जो भी आप करो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी आपको जवाब दे दूंगा, एक एक करके मैं वीडियो बनाता रहूंगा फटाफट। तो मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे तो मैं डेफिनेटली आप सबको रिप्लाई दूंगा, मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करिए, मैं वहां पर भी आपके क्वेश्चन पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं रिप्लाई करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करने देना ही है। और यार प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा कि भाई रिप्लाई नहीं देता तो एटीट्यूड, ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है मुझे भाई, मैं रिप्लाई सबसे ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा रिप्लाई देता हूँ, यूट्यूबर्स में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा मैं ही रिप्लाई देता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाइए, क्वेश्चन की धड़ाधड़ा आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं आप सबको रिप्लाई दूंगा, एक भी सवाल मत छोड़ेगा पूछेगा। और चलिए फिर आप तो आज के बारे में लैपटॉप के बारे में करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, जो लिया है क्या है इसे, जो मैंने असूस का ही लिया था, ये बेहतरीन लैपटॉप जो मुझे लगा है, तो मैं आप सबको बताऊंगा इसमें, जो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा क्यों लेना चाहिए और क्या नहीं, इसके सारे प्रोस कॉन्स के बारे में पूरी करूंगा, आपको बताऊंगा अनबॉक्सिंग के बारे में। सॉरी मुझे मैं बहुत कुछ मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने ज्यादा बोला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसकी ASUS लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स चलिए मैं जल्दी से बॉक्स ओपन करके आपको अपना न्यू लैपटॉप दिखाता हूँ। तो मैं जल्दी ओपन कर दिया मैंने लैपटॉप, तो यहाँ देखिए मैंने बॉक्स ओपन कर दिया है और ये है मेरा न्यू लैपटॉप ASUS का। फ्रेंड्स एक बार डिजाइन देखिए, मतलब दूर से मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही प्यारा डिजाइन लग रहा है, उसका स्लीक डिजाइन सीरियसली मुझे बहुत प्यारा लगा है, और यहाँ पे जो ASUS का ये लोगो दे रखा है इसको और भी ज्यादा बेहतरीन बना देता है इस डिजाइन को। और सबसे अच्छी बात इसकी जो लाइट वेट, तो देखिए वन हैंड से मैंने सब उठा रखा है, उसका लाइट वेट बहुत ही अच्छी बात है, इतना कम वेट, मतलब आप कहीं पे भी जाइए और इसको आराम से कैरी कर सकते हैं आप, और कहीं पे भी जाके वीडियो एडिटिंग करो कुछ भी करो। फिलहाल तो मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए मैं कहीं पे जाता हूँ, मैं शूट करता हूँ, तो मेरे को एडिटिंग के लिए चाहिए होता तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज है, मैं कहीं पे भी कैरी कर सकता हूँ। इसका डिजाइन और इसका लाइट वेट उनको सबसे अच्छा लगा, और दूसरी और भी अच्छी बात है जो आपको वीडियो बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स अब मैंने एक ऑन कर दिया है अपना लैपटॉप, और यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ नैनो नैनो बेजल डिस्प्ले है, देखिए कितना कम हमें दे रखा है, तो इसकी डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है यहाँ पर इनके गेस्चर के साथ ही, और यहाँ पर इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या है वो चीजें जो मेरे को सबसे बेहतरीन लगी। और जो इसके कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं, बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग था। और इसमें और जो मैं इस लैपटॉप के बारे में आपको एक और बात बता देता हूँ, जो लैपटॉप में कि इसकी जो हार्ड डिस्क है वो 1 TB है, और की जो रैम है वो 8 GB हमें मिलती है। चलिए मैं आपको अगर बात करूँ इसमें जो सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है, तो वो तो सबसे बेस्ट मैं यही कहूंगा कि इसकी जो एम्पलीफायर जो साउंड सिस्टम बहुत ही धासु है, मैं आपको चलिए एक बार सुनाई देता हूँ जो आप। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने YouTube ऑन कर दिया और मैं आपको कुछ म्यूजिक सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको इसके साउंड सिस्टम एम्पलीफायर के बारे में पता चले कि इतना बेहतरीन साउंड सिस्टम आपको लगेगा, आप खुद कहोगे कि भाई मेरे को यही चाहिए। तो चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, जो कुछ बातें मैं भूल जाता हूँ बीच में बता देता हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। तो मगर जो सबसे बेहतरीन बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक फास्ट चार्जिंग लैपटॉप है। जी हाँ आपने सही सुना है, फास्ट चार्जिंग लैपटॉप। जी हाँ, इसको मैं सबसे आपको बताता हूँ कि इसको चार्ज होने में आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही कम टाइम लगता है, 60% चार्ज इससे 45 मिनट में हो जाता है। इमेजिन कर सकते हो, कांट इमेजिन कि 60% इससे 45 मिनट में चार्ज हो जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन बात लगती है जो मुझे कि भैया मेरे को कभी परेशानी नहीं हो पाएगी, अगर मैं कैरी कहीं पे भी जाता हूँ लेके तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी फास्ट
चार्जिंग है इसकी, तो सबसे बेस्ट यूनिट इसकी लगती है। और बाकी मैंने आपको बातें बता दी है कि इसकी बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का भी डिजाइन मिल जाता है, सब कुछ बेहतरीन है। आप देख सकते हो आपने कितना कुछ यहाँ पे हमें दिखाया, मैंने आपको इवन मैंने आपको इसके लैपटॉप में साउंड सिस्टम, इसकी वीडियो सब दिखा दिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज बताइएगा। और हाँ, अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप यहाँ से ले सकते हैं। और मेरे को तो बहुत प्यारा लैपटॉप लगा, आई एम श्योर आपको भी लगा ही होगा। तो जाइए और एक बार जरूर चेक करिए इस लैपटॉप को, आई एम श्योर आपको भी बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप लगेगा। देखिए कितनी क्वालिटी जो मैं आप लैपटॉप में महसूस किया लगी है कि मेरे को मजबूर कर दिया लेने को। उसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, इसके विजुअल ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, आइस कूलिंग टेक्नोलॉजी, और मैंने कितनी आपको बातें बताई, तो ये बेहतरीन लैपटॉप मुझे लगा कि इस रेंज में सबसे बेस्ट लैपटॉप है। जाइए एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो आपको पता ही क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।